successfully thwart through a robust counter-infiltration grid. In the IB sector, attempts to जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के ऊपर। दोस्तों दो दिन पहले न्यूज़ में ये आया था कि आर्मी का जो चीफ है, चीफ कमांडर है जो, उन्होंने अपना कुछ बयान रखा है सैनिकों के आगे। ठीक है दोस्तों, न्यूज़ वालों ने बहुत अच्छी अपडेट दी है हम लोगों को, पर हमारा भी फर्ज बनता है आप लोगों को बताना कि हमारी आर्मी फोर्स के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर हम ये अपडेट आपको बताते हैं कि उनकी भर्ती इस तारीख को आ रही है, ये भर्ती के फॉर्म अभी डल रहे हैं, इस भर्ती को आप देख सकते हो, इस भर्ती के अंदर इतनी एज मांगी गई है, अगर हम ये सब अपडेट आपको देते हैं तो हम एक ऐसी अपडेट भी आपको दे सकते हैं जो आर्मी को लेके है। ठीक है दोस्तों, आर्मी के सबसे बड़े चीफ कमांडर ने एक अपना परिचय दिया है पब्लिक के सामने, सैनिकों के सामने, जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके सामने उन्होंने अपना एक परिचय दिया है अपनी ओर से, कि जो आर्मी में भर्ती हैं अभी के टाइम पे, जहाँ जिनकी सर्विस 18 साल से ऊपर हो गई है और भी आगे वो सर्विस कर रहे हैं, अभी 2027 में उनको कम किया जाएगा, यानी कि उनको फोर्स से निकाला जाएगा। तो ऐसा उन्होंने परिचय किया है कि 2027 के अंदर हम कम से कम 1,00,000 लोग आर्मी से बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है, पर हमारी आर्मी फोर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आर्मी का ही ऑफिसर, चीफ कमांडर जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब कि वाई पूरे स्टार लगे रहते हैं, चीफ कमांडर जो होता है पूरी फोर्स का, जिसके आगे, जिसके मतलब कि अंडर में कितनी जुंटे आती हैं, कितने हेडक्वार्टर आते हैं, कितने कैंप आते हैं, चीफ कमांडर ने जो भाषण दिया है, मनोज नाम है उनका, मनोज पांडे नाम है, मिस्टर चीफ कमांडर मनोज पांडे, ठीक है, उनका पूरा नाम है मनोज पांडे, ठीक है, चीफ कमांडर है वो आर्मी के। उन्होंने जो परिचय दिया है अपना सैनिकों के सामने जो रखा है, 2027 के अंदर हम 1,00,000 सैनिक हम कम कर देंगे फौज के अंदर से। तो अभी ये बताओ, जो लोग इंडियन आर्मी के अंदर है या फौज की नौकरी कर रहे हैं, 2027 में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो टोटली 1,00,000 लोग होंगे, कम भी नहीं होंगे, 50,000 नहीं होंगे, 40,000 नहीं होंगे, टोटली 1,00,000 लोग। दोस्तों 1,00,000 पब्लिक बहुत होती है, 1,00,000 सैनिक कम किए जाएंगे 2027 के अंदर। मात्र हमारे पास 2 से 3 साल बचे हैं, 2027 अभी 2-3 साल के बाद आएगा, तब जो जिनकी सर्विस जितनी हुई है हो जाएगी 1 साल के अंदर। भाई साहब 2027 में आपको 1,00,000 लोग आर्मी से जब बाहर आएंगे तो जे मान के चलो उस दिन क्या होगा। जब अभी ऐलान किया है उन्होंने, खाली जो चीफ कमांडर जो भी है, चीफ कमांडर है उनका नाम, उन्होंने खाली इतना ही ऐलान किया है कि 2027 के अंदर हम 1,00,000 फौजी हम कम करने चाहते हैं इंडियन आर्मी से। ठीक है, जब 2027 आएगा, अगर वो फौजी बाहर निकाल दिए गए नौकरी से, उनको बाहर निकाल दिया गया, तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा हमारे भारत के अंदर दोस्तों। क्योंकि चीफ कमांडर का भी जेम मानना है कि हमको वैकेंसी चाहिए आगे के लिए, क्योंकि कई लोग दोस्तों उनका फैसला सही है, उन्होंने जो परिचय अपना रखा है सही रखा है कि हम 2027 के अंदर अंदर 1,00,000 फौजी कम कर देंगे इंडियन आर्मी से। ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं दोस्तों, अगर उनका सर्विस भी अगर पूरा हो जाता है, वो फिर भी अपना नौकरी बढ़ाते हैं आगे को, पर वो रिटायरमेंट नहीं लेते, फिर उनका काम जो रहता है बहुत स्लो रहता है, क्योंकि इंडियन आर्मी वाले जो जिन उनको अगर एक सैनिक चाहिए होता है, पूरा पावरफुल सैनिक चाहिए होता है, और जिसकी एज भी कम रहती है, तो उनको वो सैनिक अच्छा लगता है, क्योंकि उनसे उन्होंने काम लेना होता है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है। तो इसलिए उन्होंने जो अपना परिचय रखा है, चीफ कमांडर ने अपना परिचय रखा है कि 2027 के अंदर हम इंडियन आर्मी से 1,00,000 लोग हम बाहर कर रहे हैं, यानी कि इंडियन आर्मी से हम उनको बाहर निकाल देंगे। 1,00,000 लोगों के अंदर पता नहीं कितने लोग आएंगे, किस किस का नाम आएगा, किस किस का नहीं आएगा, जिसकी सर्विस 4-5 साल होगी उनका तो मतलब कि वो सेफ रहेंगे, पर 1,00,000 लोग अगर आर्मी से बाहर हो गए तो हमारे देश का क्या होगा? फिर उस दिन क्या होगा जिस दिन ये ऐलान होगा कि इस तारीख के अंदर हम आर्मी वालों को 1,00,000 लोगों को बाहर निकाल रहे हैं? बहुत बड़ा तबाही मच जाएगा हमारे देश के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये वाली गुड न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, क्योंकि इसकी चर्चा अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है चीफ कमांडर को लेके, मनोज पांडे ने जो अपना ऐलान रखा है सैनिकों के सामने। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।